हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हो कि नहीं यार, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। देखो यार, आप लोग के लिए कंटिन्यूस मेहनत किया जा रहा है। एक बार सिलेबस ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है, 10th स्टैंडर्ड का पूरा एंटायर सिलेबस दोबारा से भी कंप्लीट होने वाला है। देख सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग का लगातार 5वां लेक्चर आ चुके हैं, एक या दो लेक्चर और ये चैप्टर कंप्लीट, सीधा प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स भी एक बार पढ़ा के हो चुका है, आप जाके देखो, पिछले साल भी हमने पढ़ाया था, पूरा कंप्लीटेड है। मतलब आप लोग के लिए कॉन्टेंट पहले से ही है, बस आपको देखते रहना है। और ये नए वाले कॉन्टेंट भी आ रहे हैं, नए तरीके से भी पढ़ा रहे, तो ये भी आप लोग के लिए हो जाएगा रिवीजन के तौर पे भी। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। लास्ट में ना, जब आपका फरवरी के आसपास का जो टाइम रहेगा ना, जनवरी फरवरी के टाइम, उस टाइम पे एलएमआर सीरीज लॉन्च करेंगे, लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज, तो उसके लिए भी तैयार रहना। तब तक आपका पूरा पढ़ के हो जाना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 को सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे और उसका कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या होता है शेयर्स, क्या होता है एमवी यानी मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू एफवी क्या होता है। साथ ही में आपने अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है, टेलीग्राम पे अभी तक हमारा चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से कर लेना, खासकर टेलीग्राम पे, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे पीडीएफ्स आगे जाके मिलेंगे, खासकर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहां पे, तो चांस मिस मत करना, टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले शेयर क्या होता है, देखो एक एक करके बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, इस चैप्टर में ऐसे कई सारी चीजें हैं जो एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम जब लाइफ में कुछ और पढ़ते हैं, जैसे मैं एक इंजीनियर हूं, लेकिन ना हमें फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप कोई भी कोर्स कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, एस्ट्रोनॉट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपका जो मेन फाइनेंस है ना, वो आपका जिंदगी भर साथ देगा, क्योंकि आपको पैसे तो कमाने हैं और फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें आप 10th में सीखते हो, लेकिन आगे आगे और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है शेयर। तो शेयर क्या होता है, आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, तो उसी से एक वर्ड डिराइव हुआ है शेयर। तो शेयर क्या होते हैं, आप जैसे कि क्या बोल रहा है, अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। मतलब कोई कैपिटल है, कैपिटल मतलब वो दिल्ली वगैरह कैपिटल नहीं, कैपिटल मतलब पैसा मनी। एक कोई कंपनी है, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है, तो कंपनी के पास पैसा है। अब वो पैसे के बहुत सारे क्या होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। अब वो कंपनी का सबसे छोटा जो हिस्सा रहेगा, जैसे हमारे बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, ऑब्वियसली हमारे बॉडी का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है वो होता है सेल, वैसे उसी प्रकार कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, मतलब पैसे के हिसाब से सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, उसका शेयर। तो शेयर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कैपिटल का, एंड द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट, यानी कंपनी का जब सर्टिफिकेट बनता है, हर एक कंपनी का एक सर्टिफिकेट होता है। अब जे आर ट्यूटोरियल्स भी समझ लो, आगे जाके बड़ी कंपनी बनती है अगर आप लोग प्यार दिखाओगे, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिनकी बड़ी बड़ी कंपनी हो गई है, ठीक है ना, 4,000 5,000 करोड़ की, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई कि नहीं हो गई है, ठीक है ना। लेकिन समझ लो कि आप लोग अगर प्यार दिखाते हो, आने वाले 2-4 साल के अंदर हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, और हमारे और आपके प्यार, हमारे मेहनत और आपके प्यार के कारण हमारी कंपनी भी बड़ी हो जाती है, तो हमारी कंपनी का क्या बनेगा, एक सर्टिफिकेट बनेगा, और वो सर्टिफिकेट कंपनी का क्या रहेगा, उसमें उस वैल्यू, उस शेयर का वैल्यू जो है, वो शेयर जो रहेगा वो लिखा रहेगा। अब शेयर होल्डर कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो आप भी मेरे शेयर होल्डर कहलाओगे, आपको भी पैसा मिल सकता है अगर आप जेआर ट्यूटोरियल्स को आगे जाके ज्वाइन करोगे। तो इस प्रकार से चीजें होती है, मतलब कोई भी कंपनी से, और उसको हम लोग शेयर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, मतलब वो जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसको शेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो समझ में आ गया शेयर। अब यही शेयर ना मार्केट में बिकता है, जो हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि आप एक कंपनी है, एक्स वाई जेड नाम की कंपनी है, वो शेयर्स शेयर मार्केट में प्रेजेंट है, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें आप जाके उस शेयर को खरीद सकते हो, ठीक है, और वो शेयर आपका हो जाएगा, एक शेयर, दो शेयर, 10 शेयर, जितना पैसा है आपके पास उसके हिसाब से खरीद सकते हो। फिर एक होता है शेयर होल्डर, जैसे मैंने बोला, अ पर्सन हु ओन्स द शेयर, जिसने शेयर खरीदा, जैसे कि आपने जेआर ट्यूटोरियल्स का एक शेयर खरीद लिया, तो आप क्या बन गए, जेआर ट्यूटोरियल के पार्टनर बन गए, एक शेयर के पार्टनर, मतलब शेयर होल्डर बन गए इस प्रकार से, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, शेयर होल्डर। द शेयर होल्डर इज ए पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का ओनर है वो। देखो क्या बोल रहा है, पार्ट ओनर मतलब एक छोटा सा हिस्सा कंपनी का आपके पास आ गया, अगर आपने एक शेयर भी उस कंपनी का खरीदा है तो पार्ट ओनर बन गया, इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज। जैसे मैंने बोला कि क्या होता है, कि एक जगह ऐसा होता है, एक मार्केट ऐसा होता है जहां पे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, स्टॉक्स मतलब शेयर्स, तो उसको क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इट इज ए प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर टेक्स प्लेस,
इट ऑल्सो नोन एज द शेयर मार्केट. क्या बोलते हैं इसको? शेयर मार्केट भी बोलते हैं. ये आपने पढ़ा होगा. मैं भी खुद शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूं, मतलब शेयर खरीदता हूं, शेयर बेचता हूं जब भी मुझे मौका मिलता है. इसको स्टॉक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है. इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं, ऐसे कई सारे नाम है. और कंपनी शुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, मतलब कंपनी जो भी होगी उसको अपना शेयर को बेचवाना है या फिर खरीदवाना है तो वो उसके पहले कंपनी को लिस्ट करना पड़ता है, अपने आप को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना पड़ता है. ठीक है, वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, फेस वैल्यू FV बोलते हैं. फेस वैल्यू क्या होता है? तो वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट. जैसे यहां पे हमने पढ़ा शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर सर्टिफिकेट पे वो शेयर का कितना वैल्यू है, उस शेयर का वैल्यू जो भी प्रिंटेड रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू. मतलब शेयर का एग्जैक्टली फेस वैल्यू कितना है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू या फिर पार वैल्यू. क्या बोलते हैं उसको? पार वैल्यू भी बोल सकते हैं, नॉमिनेटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, याद रखना. लेकिन सबसे कॉमन नेम क्या याद रखोगे उसका? फेस वैल्यू, FV. फिर एक होता है मार्केट वैल्यू. मार्केट में क्या वैल्यू है, समझ लो एक शेयर है ₹5 का सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, मतलब एक कंपनी है JR ट्यूटोरियल्स की, उसका एक शेयर का प्राइस है ₹5. बहुत सस्ते कंपनी भी आती है, कोई 0.1 भी होता है, मतलब 10 पैसे का, 50 पैसे का, बहुत महंगे महंगे कंपनीज आती है, MRF वगैरह की कंपनी, बहुत महंगे महंगे शेयर्स होते हैं उनके. ठीक है ना, तो ऐसे शेयर्स हजारों में भी होते हैं, लाखों में तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हजारों में मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज के शेयर, एक शेयर का प्राइस हजारों में होता है. तो समझ लो JR ट्यूटोरियल का ₹5 एक शेयर का दाम है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग JR ट्यूटोरियल के शेयर को खरीदने लगे तो ये ₹5 से बढ़ के क्या हो गया, ₹6 हो गया. तो ₹5 क्या है इसका फेस वैल्यू, लेकिन ₹6 में मार्केट में बिक रहा है, ₹6 में मार्केट में बिक रहा है, तो वो क्या रहेगा, ₹6 उसका मार्केट वैल्यू रहेगा. यानी द प्राइस At which the shares are sold or purchased, यानी कि जो price में market में वो बिक रहा है या फिर market में उसको खरीदा जा रहा है, उस price को हम लोग क्या बोलेंगे, market value. याद रहेगा दोस्तों, correct है, ये हो गया basic concept, clear हो गया. और भी ऐसे कई सारे basic concept है, चलिए आइए देखते हैं. तो अगला है dividend, ये भी एक बहुत important फंडा होता है. जैसे कि हम लोग का पैसा जब होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक में रखते हैं. आप भी जमा करते होंगे, आप लोग अगर 18 साल के ऊपर होंगे तो जमा करते होंगे, नहीं करते होंगे तो आपके पेरेंट्स करते होंगे. मैं करता हूं, मेरे पास जो भी सेविंग्स आ जाती है 1000-2000 महीने का, जो भी बचा लेता हूं यार खर्चा सब करने के बाद, तो 1000-2000 ना बैंक में जाके डाल देता हूं. क्यों डालता हूं? क्योंकि बैंक में रखने से इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग शेयर मार्केट में शेयर जब खरीदते हैं तो वो शेयर जब हमारे नाम पे हो गया, शेयर सर्टिफिकेट पे हमारा नाम आ गया, हमने शेयर खरीद लिया, तो शेयर खरीदने के बाद कंपनी जो होती है उस शेयर होल्डर्स को क्या देती है, कुछ पैसा देती है एज ए इंटरेस्ट. जैसे बैंक में रखने में इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही डिविडेंड मिलता है शेयर मार्केट होल्डर को, सॉरी शेयर होल्डर को. ठीक है, शेयर होल्डर को द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट, मतलब कंपनी ने जो भी एनुअल प्रॉफिट कमाया, पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसको बांट दिया जाता है. मतलब ये वाला बांटना नहीं, तो आप बोलोगे सर ऐसे पैसे उड़ा रहे, ऐसे नहीं उड़ाते भैया, वो एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से वो लोग पैसा बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग द शेयर होल्डर, जितने भी लोग उसका खरीदते हैं. जैसे कि मैंने भी कुछ शेयर खरीद के रख लिया है, ठीक है, 2-3 शेयर है मैंने खरीदा हुआ है, तो उसका डिविडेंड मुझे आ जाता है. कुछ लोग एनुअली देते हैं या फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टरली देते हैं, हर 3-4 महीने पे आ जाता है डिविडेंड. ठीक है, उसके हिसाब से डिविडेंड आ जाता है, समझ में आया, उसको बोलते हैं डिविडेंड. मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट जो आता है बैंक में, उसी प्रकार शेयर होल्डर को जो शेयर खरीदने के पास कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो पैसा जो बांटती है उसको डिविडेंड कहते हैं, याद रखना. अब देखो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट होता है ना, ये भी 2 टाइप के होते हैं. एक होता है दोस्तों यहाँ पे BSE, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. आप कभी मुंबई में जाना, चर्च गेट साइड आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग स्टॉक एक्सचेंज है, पूरी स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है वो. तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE कहते हैं, और एक होता है NSE जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं. ठीक है, तो ये दोनों बिल्डिंग है और दोनों ही शायद मुंबई में ही है, दोनों ही बिल्डिंग जो है आई गेस मुंबई में, आई एम नॉट श्योर. BSE तो मुझे पता है मुंबई में, लेकिन NSE भी शायद मुंबई में ही है, दोनों स्टॉक मार्केट मुंबई में ही है. और BSE जो है, जैसे मैंने बोला, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का, मैं तो इंडिया बोल रहा था, देखो एशिया का सबसे पुराना है, और NSE जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है. ठीक है, और 2 शेयर इंडाइसेस भी होते हैं, एक होता है सेंसेक्स, दूसरा होता है निफ्टी. ये ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, लेकिन जिसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होगा उसको पता होगा, एक होता है सेंसेक्स और एक होता है निफ्टी. तो सेंसेक्स बेसिकली क्या होता है, सेंसेक्स जो होता है ना वो 30 जो मेन स्टॉक्स होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज होगी इंडिया में, तो जो 30 मेन स्टॉक्स होंगे वो सेंसेक्स में आ जाते हैं. और जो निफ्टी होता है वो क्या होता है, जो टॉप 50 कंपनी होती है इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी होती है उसको वहां पे लिस्ट किया जाता है निफ्टी में. तो ऐसे अलग अलग इंडाइसेस होते हैं, समझ में, जैसे आपके टेक्स्ट बुक के आगे इंडेक्स होता है ना, ये चैप्टर इतने पेज नंबर पे, उसी प्रकार यहाँ पे इंडाइसेस होते हैं. एक होता है निफ्टी जिसमें 50 कंपनी होती है, एक होता है सेंसेक्स जिसमें 30 कंपनी होती है, निफ्टी और सेंसेक्स. ऐसे कई सारे और होती है, बैंक निफ्टी होता है, ऐसे कई सारे हो, ठीक है ना, निफ्टी मिड कैप होता है, निफ्टी लार्ज कैप होता है, इस प्रकार से कई सारी चीजें जब आगे आप स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा. अब जो डिविडेंड है ना उसको कैलकुलेट भी किया जाता है, कैसे, देखो डिविडेंड पर शेयर, मतलब
पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड कैलकुलेट करो। तो क्या करना पड़ेगा, जितना भी परसेंट डिविडेंड कंपनी देना चाहती है फेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, यानी परसेंट डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू। समझ लो कि कोई भी कंपनी है वो 2% डिविडेंड देती है, तो फेस वैल्यू उसका 5 रुपया है, तो 2% ऑफ 5 रुपया निकाल लो, 2% ऑफ 5 रुपया निकाल लो, कितना हो जाएगा 10/100, जो कि हो जाएगा 0.1 रुपीज। तो 0.1 रुपीज उसको क्या मिल गया, डिविडेंड। लेकिन इतना कम नहीं मिलता है, उस हिसाब से आप आगे जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे ना, अभी प्रैक्टिस सेट बाकी है, 4.3 आज पढ़ने वाले, ये पूरा बाकी है, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो अगले पे जाते हैं, कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। कंपैरिजन क्या करना है, देखो अगर मार्केट वैल्यू बड़ा है फेस वैल्यू से, तो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू बड़ा है फेस वैल्यू से तो शेयर प्रीमियम है, क्योंकि क्यों प्रीमियम है, क्योंकि महंगा बिक रहा है। मैंने 5 रुपए में खरीदा हुआ है, मतलब 5 रुपए में उसका फेस वैल्यू है, मार्केट में बिक रहा है 7 रुपए का, तो 2 रुपया तो प्रॉफिट हो गया ना, तो प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्या है, प्रीमियम पे है शेयर, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, तो शेयर क्या है, पार पे है, पार मतलब लेवल पे, बराबर पे है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है, मार्केट वैल्यू अगर छोटा है फेस वैल्यू से, तो यार फेस वैल्यू 5 रुपया है, मार्केट वैल्यू उससे भी कम है, तो यार वो तो घाटे में चल रहा है, मतलब जो शेयर है वो डिस्काउंट पे, मतलब डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेना है ले लो, इस प्रकार से। तो कुछ फॉर्मूले से ये याद रखना है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है, और मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट होता है, डिपेंड करता है कि वो प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे। ये फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले आगे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो आपको बहुत काम आ जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक मार्केट वैल्यू दिया 15 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया, तो मार्केट वैल्यू आप देखोगे तो 15 रुपया 10 रुपए से बड़ा है, मतलब मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट वैल्यू यहाँ पे जो है 15, वो फेस वैल्यू से बड़ा है जो कि 10 है, तो 15 इज ग्रेटर देन 10 ना, तो यहाँ पे अगर माइनस करूंगा दोनों को तो 15 - 10 = 5, तो ये 5 रुपए जो आया वो क्या है, ये आपका प्रीमियम का पैसा है, यानी कि द शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 5 रुपया प्रीमियम पे है वो शेयर, 5 रुपया प्रीमियम पे है, समझा, ये चीज समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखो क्या है अगला, सम इन्वेस्टेड। सब इन्वेस्टेड मतलब क्या होता है, द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर इज सम इन्वेस्टेड। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि कितना पैसा चाहिए कुछ नंबर ऑफ शेयर को खरीदने के लिए। समझ लो एक शेयर 5 रुपए का बिक रहा है, लेकिन आपको 100 शेयर खरीदने, 100 × 5 = 500 रुपया हो गया, तो मतलब आपको 500 रुपया भरना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से वो चीज जो होती है वो सम इन्वेस्टेड। फॉर्मूला क्या है सम इन्वेस्टेड का, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट वैल्यू है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि 500 शेयर आपको खरीदना है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 10 रुपया, तो 500 × 10 = 5000, तो 5000 रुपए आपको भरने पड़ेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, सम इन्वेस्टेड हो गया, मतलब इतना आपने पैसा इन्वेस्ट किया। समझ में आ रहा है। एक और फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आरओआई, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है, टोटल डिविडेंड जो होगा, डिविडेंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने बताया परसेंट डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, उससे आपको पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय जितने भी शेयर रहेंगे उससे निकालेंगे तो टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। टोटल डिविडेंड को सम इन्वेस्टेड, जो अभी हमने देखा यहाँ पे, टोटल डिविडेंड को सम इन्वेस्टेड से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जो जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा रेट ऑफ रिटर्न। और ऐसे कई सारे फॉर्मूले जो हमने अभी अभी पढ़ लिए, पूरा कॉन्सेप्ट ये हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 में देखेंगे, ध्यान से देखना, मजेदार होगा प्रैक्टिस सेट 4.3, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करें फिर। देखो अब ये जो चीजें हैं ना, इसमें आपको पूरा का पूरा फोकस लगाना पड़ेगा, जो भी चीजें हैं इसमें पूरा फोकस हम लोग को करना पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 4.3 आ गया हेडिंग। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें आपको जगह जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, तो इसमें आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो कि आप देख पा रहे होंगे, देखो फेस वैल्यू 100 रुपया है, शेयर इज एट पार। आपको याद होगा शेयर पार पे कब होता है, जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर होता है। तो शेयर पार पे है मतलब फेस वैल्यू जो रहेगा वही रहेगा मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू डैश दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 100 रुपीज। तो यहाँ पे भी कितना आ गया आंसर में, 100 रुपीज आ गया, समझा। दूसरा क्वेश्चन, डैश दिया हुआ है मतलब फेस वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रीमियम है 500 रुपया, प्रीमियम पे है शेयर, प्रीमियम पे है और 500 रुपया प्रीमियम पे, मतलब 500 रुपया प्रॉफिट पे। ये कितना है, मार्केट वैल्यू 575। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था ना फॉर्मूला। अभी देखो यहां पे, अगर कहां गया फॉर्मूला, देखो यहां पे किधर गया, इधर गया, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे होगा तो फेस वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो यहां पे फेस वैल्यू मुझे पता नहीं है, फेस वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रीमियम पता है 500 रुपया, तो यहां पे डाल दो 500। इसको थोड़ा सा और ऊपर लेता हूं मैं, देखो यहां पे मैं ना ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं, इसके लिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे कैलकुलेशन का पार्ट में यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना है 575, फेस वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रीमियम को इधर लाऊंगा तो माइनस कर दूंगा, तो माइनस ऑफ प्रीमियम दैट इज 500 रुपया इज इक्वल टू फेस वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 575 - 500 इज इक्वल टू 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 रुपीज। आ गया आंसर, खत्म, कैलकुलेशन कर लिया। ये कैलकुलेशन का पार्ट आप रफ भी कर सकते हो, लेकिन मैं सोचता हूँ यहाँ पे रहने दो, ठीक है, यहाँ पे रहेगा ज्यादा अच्छा है।
अब देखो अगला क्वेश्चन, फेस वैल्यू 10 रुपए दिया हुआ है, शेयर कितने पे है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मार्केट वैल्यू 5 दिया हुआ है। अब कंपेयर कर लो सीधा सीधा, फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, ये 10 है ये 5 है, तो फेस वैल्यू मार्केट से बड़ा है ना। तो क्या होता है, फेस वैल्यू जब मार्केट से बड़ा होता है, देखो कहां गया, फेस वैल्यू जब मार्केट से बड़ा रहता है, देखो एमवी स्मॉलर देन एफवी यानी फेस वैल्यू मार्केट से बड़ा है तो डिस्काउंट पे होता है, तो शेयर किस पे होता है, डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, खत्म कहानी। कितना सिंपल था है कि नहीं, कितना सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप बिंदास बस 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है, कौन से 3 कॉन्सेप्ट, यही 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कुछ फॉर्मूले जो है वो याद रखना है, बाकी हर चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए अगले एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है अगला, क्वेश्चन नंबर 2, देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 2, चलो इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। देखो मिस्टर अमोल परचेस 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100, मतलब इसका फेस वैल्यू दिया हुआ है कितना 100 रुपीज, परचेस 50 शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर भी दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है कितना, कितना है भैया 50, नंबर ऑफ शेयर 50 दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 80 रुपीज, मतलब एमवी दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज ये दे रखा है हम लोग को, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, मतलब डिविडेंड का रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड, टोटल डिविडेंड नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है जो कि है 20%, क्या दिया हुआ है 20% दे रखा है, हमें पूछा है फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, मतलब क्या निकालना है आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है क्वेश्चन मार्क, अगला बोल रहा है बस एक ही चीज निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, अभी अभी हमने देखा था दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिटर्न निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है टोटल डिविडेंड, देखो यहां पे हमने देखा था क्या गया, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है, टोटल डिविडेंड यहां पे लिखो फॉर्मूला, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, लेकिन हमारे पास टोटल डिविडेंड नहीं है, सम इन्वेस्टेड नहीं है, तो सबसे पहले वो निकालेंगे फिर इसमें डाल देंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से कैसे करना है, सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल डिविडेंड, लेकिन टोटल डिविडेंड से पहले डिविडेंड पर शेयर तो पता होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा डिविडेंड पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने बताया था 20% दिया हुआ है, तो 20% ऑफ फेस वैल्यू, 20% ऑफ फेस वैल्यू, तो 20% मतलब 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, 2020 कैंसिल कितना आया 20 रुपया, मतलब ये आ गया मेरा टोटल डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड पर शेयर आया, वैसे कितने शेयर है टोटल 50 शेयर है, मतलब टोटल डिविडेंड ऑफ 50 शेयर, 50 शेयर का चाहिए तो कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 50 तो कितना हो जाएगा 1000 रुपीस, ये आ गया क्या, ये क्या आया दोस्तों आपके लिए, ये आया टोटल डिविडेंड, ये आपका टोटल डिविडेंड आया। अब एक और चीज निकालना है सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड भी निकालना है ना, तभी तो फॉर्मूला बनेगा, तो सम इन्वेस्टेड फॉर्मूला क्या है सम इन्वेस्टेड का बताओ, अभी अभी हमने देखा था सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला किधर गया, देखो ये वाला सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, सब फॉर्मूला याद है ना दिमाग में, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स लिखो यहां पे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है दोस्तों 50, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना है दोस्तों एमवी 80, तो 8 फायदा होता है 40, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू 5 × 40 और 20 4000 रुपया आ गया, ये क्या आ गया, ये आपका सम इन्वेस्टेड आ गया। अब आपको टोटल डिविडेंड मिल गया, सम इन्वेस्टेड बोलते डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिख दो यहां पे पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या है मेरा रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, आरओआर इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड कितना निकाला हमने देखो 1000 रुपया, लिख दो यहां पे 1000 रुपीस डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड कितना है 4000 रुपया मल्टीप्लाई बाय 100, 20 यहां पे 20 कैंसिल, कितना बच रहा है यहां पे ऊपर 1 0 यहां पे नीचे 1 0 कैंसिल, 100/4 यानी 25, तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 25%, आ गया खत्म आ गया आंसर, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया दोस्तों 25, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो ये आ गया 25%, यही पूछा था ना रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआर जिसको बोलते हैं, तो ये तो 25% आ गया, मतलब आपने जितना भी इन्वेस्ट किया रहेगा उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है आपको 25% फायदा आ रहा है, करेक्ट है, क्योंकि यार फेस वैल्यू उसका यार 100 रुपया है और मार्केट वैल्यू जो है 80 रुपया, उसके हिसाब से रिटर्न आ रहा है, करेक्ट है, क्लियर है, क्लियर समझ में आ गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, पहला मतलब दूसरा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ, अब देखो क्या दिया है, इसको ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है,
जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है भैया, बहुत सिंपल होता है टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना भी, अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कंपनी ए है, बी है, सी है, मतलब सबसे पहले हम लोग तीनों को एक एक करके निकालेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पे कंपनी नंबर ए, इसका निकालेंगे। कंपनी ए क्या बोलते हैं, 200 शेयर है उसके पास, मतलब नंबर ऑफ शेयर जो है कंपनी ए के पास वो 200 है, फेस वैल्यू उसका 2 रुपया है और मार्केट वैल्यू जो है नहीं दिया है ना, मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, प्रीमियम बोला है, देखो सॉरी प्रीमियम दे रखा है यहां पे, एक सेकेंड, प्रीमियम दे रखा है कितना, प्रीमियम इज इक्वल टू 18 रुपया। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी प्रीमियम आता है तो हमें एक फॉर्मूला याद आता है, कौन सा वाला, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वाला, लिख दो यहां पे फॉर्मूला, ठीक है। मार्केट वैल्यू निकल जाएगा इससे, फेस वैल्यू मुझे पता है कितना है 2 रुपया, प्लस प्रीमियम कितना है 18 रुपया, तो यहां पे मार्केट वैल्यू आपको मिल गया 20 रुपया, ये आपका आ गया एमवी। मार्केट वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, 20 रुपया मार्केट वैल्यू आ गया। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमको तो मालूम ही नहीं पूछा क्या है, फाइंड इज टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कंपनी ए का, कंपनी बी का और कंपनी सी का तीनों का ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो आएगा वो आप करेगा टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहां पे मार्केट वैल्यू जब मिल गया तो आप क्या निकालोगे, सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर जितने भी रहेंगे उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वही होता है आपका, वही होता है ना सम इन्वेस्टेड। देखो यहां पे ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर कितना है दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर 200 है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू अभी अभी निकाला आपने 20 रुपया, 200 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है 4123, 4000 रुपया। तो टोटल सम इन्वेस्टेड कितना हो गया, इसको यहां पे टोटल सम इन्वेस्टेड 200 मल्टीप्लाई बाय 20 है ना, करेक्ट है ना, 20 है ना, बराबर करेक्ट है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 20 जो कि आ गया 4000 रुपया, तो ये आ गया सम इन्वेस्टमेंट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। वैसे बी के लिए निकालो, सी के लिए निकालो और प्लस कर दो ओवरऑल, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा। तो आप कंपनी बी का निकालेंगे, कंपनी नंबर बी, कंपनी नंबर बी का क्या बोलता है, 45 शेयर है, मतलब नंबर ऑफ शेयर है उसके पास 45, उसके बाद एमवी दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने 500 रुपया, मतलब फेस वैल्यू नहीं पता है ना, कुछ दिया हुआ है प्रीमियम वीमियम कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे एक चीज फंडा यहां पे क्लियर है, यहां पे एक फंडा जो है आपका क्लियर है। तो यहां पे मार्केट वैल्यू दे दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है, तो नो नीड ऑफ फेस वैल्यू, नो नीड ऑफ नथिंग, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सम इन्वेस्टेड ही चाहिए ना। तो यहां पे सम इन्वेस्टेड जो है, इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टेड नहीं, सम इन्वेस्टमेंट जो है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, और किसी की जरूरत भी नहीं चाहिए मुझे। तो नंबर ऑफ शेयर मुझे पता है जो कि है 45, और मार्केट वैल्यू जो दिया हुआ है 500 रुपया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 22, और ये 120 पहले से ही, तो 22,500 रुपया, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया दूसरा सम इन्वेस्टमेंट, ये पहले कंपनी का सम इन्वेस्टमेंट, ये दूसरे कंपनी का सम इन्वेस्टमेंट, आ गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों। बहुत सिंपल है, देखो ऐसे एग्जांपल्स मैं तो चाहता हूं आप लोग को एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग को मजा आ जाए, मतलब गंगा नहा लो जाके। ये हो गया कंपनी बी, उसी प्रकार कंपनी सी निकाल लो, कंपनी सी, सी कंपनी, देखो मूवी का नाम आ गया, कंपनी सी क्या बोल रहा है, एक शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, एक शेयर, और मार्केट वैल्यू उन्होंने दे रखा है, बाप रे बहुत महंगी कंपनी है, देखो मार्केट वैल्यू कितना है 10,540 का, बहुत महंगी कंपनी है, 10,540 रुपए का मार्केट वैल्यू है उसका, सोचो कितनी बड़ी कंपनी रहेगी, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, तो एक ही शेयर है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 10,540 है ना, 10,540 है, मल्टीप्लाई कर तो आ गया आंसर 10,540 रुपया। ये क्या आ गया, तीसरा कंपनी का, थर्ड इक्वेशन डाल दो, तीसरे कंपनी का सम इन्वेस्टमेंट आ गया। हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू तीनों कंपनी का सम इन्वेस्टेड। तो कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी कितना है इसका, 4000 प्लस कितना है भैया इसका, 22500 प्लस तीसरे का कितना है 10,540, इसको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, करो 22,500, ये हो गया 32,000 33,040 37,040, तो 37040 दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है 37040 दिस इज योर करेक्ट आंसर। आ गया कितनी आसानी से, सॉरी माफ करना, आ गया
है 37,040 रुपया, मतलब उस पूरे कंपनी का, एबीसी कंपनी का, तीनों का अगर हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो कितना पैसा लग रहा है, 37,040 रुपया लग रहा है। करेक्ट है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है सब कुछ। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पे ध्यान से। अगला यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल है, श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5। यहाँ पे देखो फटाफट करेंगे, 5 रुपया इसका दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है, प्रीमियम है 20 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। और हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000, मतलब कितना शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली आपको कैलकुलेट करने हैं। और ये क्या है, 20,000 दिया है, मतलब ये सम इन्वेस्टेड दिया हुआ है, सम इन्वेस्टेड दिया हुआ है, कितना 20,000 रुपया देगा। फेस वैल्यू 5 है, प्रीमियम पे दिया हुआ है, तो इससे मार्केट वैल्यू निकल जाएगा। मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये फॉर्मूला याद हो गया अब तो आपको, 2-3 बार हो गया। फेस वैल्यू कितना दिया है 5 रुपया, प्रीमियम कितना दिया है 20 रुपया, ठीक है, इतना ही है ना। तो कितना मिल गया आपको मार्केट वैल्यू, यहां से मिल गया 25 रुपया, मार्केट वैल्यू 25 रुपया आ गया। अब आपको एक चीज दिया है सम इन्वेस्टेड, और आपको एक फॉर्मूला भी पता है, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ये आपको फॉर्मूला पता है। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, कितना है मुझे पता है क्या, नहीं, तो ये सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स वैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू अभी अभी आपने निकाल लिया 25 रुपए का, ठीक है, और सम इन्वेस्टेड अभी अभी आपने लिखा हुआ है जो कि है 20,000 रुपए का, बराबर। अब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए तो 25 नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू ये 20,000 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा, करके देखो 25 के टेबल में जाएगा क्या, 25 1 25 25 8 200 होता है, और ये 20 और 800 रुपया देगा, 800 रुपया आ गया। तो ये क्या है आपका 800 रुपया, जो क्वेश्चन था, दैट इज सॉरी 800 रुपया नहीं, माफ करना दोस्तों, 800 रुपया नहीं, देखो गलती हो जाती है ना, अभी 800 नंबर ऑफ शेयर है, ये नंबर ऑफ शेयर है ना, तो नंबर ऑफ शेयर 800 आएगा खाली, कितने नंबर है शेयर के, कितने पे टोटल कितना शेयर है, 800 शेयर है उसके पास, कितना 800 नंबर ऑफ शेयर पूछा था तो 800 आ गया, करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन, श्री शांतिलाल क्या नाम है, 150 शेयर खरीदा उसने, मतलब नंबर ऑफ शेयर है उसके पास 150, ठीक है, फ्रंट वैल्यू पढ़ रहा था, एक्चुअली एफवी को ना हम लोग इंजीनियरिंग में फ्रंट वैल्यू बोलते हैं, तो मुझे याद में कभी कभी ना, हम लोग इंजीनियरिंग के टीचर्स हैं और इंजीनियरिंग को पढ़ाते थे, इंजीनियरिंग कर चुके हैं ना, कभी कभी एफवी आता है तो फ्रंट वैल्यू, ठीक है ना, उसके बाद एसवी आता है साइड वैल्यू, ठीक है ना, साइड व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू, तो ऐसा एफवी मतलब फेस वैल्यू है, 100 रुपया दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है 120 रुपया, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 7%, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 7% का, चलो ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, वही निकालना यार, रेट ऑफ रिटर्न, पहला एग्जांपल देखा था सेम वैसे ही, ठीक है, कर लोगे, थोड़ा कराता हूं फिर बाकी कर लेना। देखो सबसे पहले क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ शेयर एफवी दिया है, एमवी दिया है, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड 7% दिया है, तो टोटल डिविडेंड निकालो पहले, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर मतलब क्या हो जाएगा, 7% मतलब 7/100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है 150, 00 कैंसल, देखो यहां पे क्या किया हमने, यही है ना आपका, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है आपको, रेट ऑफ रिटर्न निकालना, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड फॉर्मूला है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल डिविडेंड निकालेंगे, और डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए 20% ऑफ फेस वैल्यू लेना पड़ता है, ठीक है, यहां पे फॉर्मूला वही लगेगा ना, फॉर्मूला वही लगेगा, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं नीचे लेता हूं, पहले हम लोग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लिखते हैं यहां पे, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड बराबर मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर निकालोगे, जो कि होता है क्या, जो कि क्या होता है, दैट इज कितना है 7%, तो 7% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया है, मतलब 7/100 × 100, ये 100 कैंसल, मतलब कितना आया 7 रुपया आया, ये आ गया डिविडेंड पर शेयर, लेकिन आपको टोटल डिविडेंड निकालना है, तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, 7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर है 150, जो कि हो जाएगा 15 7 कितना होता है 15 6 90, 15 7 105, 1050 रुपीज, तो ये हो गया टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड आपने निकाल लिया
तब सॉल्व करवाया है ऑलरेडी। देखो सेम क्वेश्चन नंबर टू जो हमने सॉल्व किया था सेम उसी प्रकार का एग्जांपल है, ठीक है। तो आप लोग करो इसको कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद टोटल डिविडेंड निकाल लिया, अब रेट वो निकाल लो, सम इन्वेस्टेड निकाल लो। सम इन्वेस्टेड क्या फॉर्मूला है, सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर कितना है 150 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना है 120, कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 12 180 ये हो गया आपके लिए सम इन्वेस्टेड। अब आपको फॉर्मूले में डाल देना, इसमें टोटल डिविडेंड है आपका 1050 डिवाइड बाय टोटल सम इन्वेस्टेड है 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आप लोग निकालो और मुझे बताओ कितना आ रहा है टोटल आंसर, जो कि है 1050 अपॉन 18,000 इंटू 100 जो कि आ रहा है 5.83, ठीक है 5.83% आ रहा है, ये ऑलरेडी मैंने देख के बता दिया, ठीक है 5.83% आप लोग प्रॉपर से कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा। सेम बस देखो क्वेश्चन नंबर टू जो था सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर फाइव, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर दोनों शेयर का फेस वैल्यू सेम है सॉरी, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है कंपनी ए है आपका, लिखो यहां पे कंपनी ए, क्या नाम है डिविडेंड 16% दे रहा है, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 16% का, ठीक है मार्केट वैल्यू दे रखा है 80 रुपया, चलो ठीक है। और यह है कंपनी बी, कंपनी बी भी क्या बोलता है, ये बोलता है ये भी रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 20% का दे रहा है, मार्केट वैल्यू 120 रुपया दिया हुआ है। चलो करना क्या है, कंपेयर करना है हम लोग को, देखो कंपेयर करना है मोर प्रॉफिटेबल कौन है, मोर प्रॉफिटेबल कौन होगा ऑब्वियसली मुझे बताओ कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, जो जिसका हम लोग रेट ऑफ रिटर्न जो निकालेंगे, रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, आरओआर ज्यादा होगा वो निकलेगा प्रॉफिटेबल। क्योंकि आप देखो कोई भी चीज जब खरीद रहे हो, समझ लो मैंने 5 रुपए का शेयर खरीदा है अब मुझे बदले में 8 रुपए मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिटर्न मेरा ज्यादा रहेगा तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा ना। तो ये दोनों कंपनी में जिसका आरओआर यानी रेट ऑफ रिटर्न जिसका ज्यादा रहेगा उसका प्रॉफिट होगा। तो फॉर्मूला क्या है रेट ऑफ रिटर्न का, दैट इज टोटल डिविडेंड जो हमने सीखा अभी कितने बार कर चुके हैं, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। सेम इसमें भी टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, बस वैल्यू चेंज होगा और कुछ नहीं, आपको कुछ करना नहीं है। टोटल डिविडेंड निकालो, रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया है उससे टोटल डिविडेंड निकलेगा, मार्केट वैल्यू दिया है तो उससे सम इन्वेस्टेड निकलेगा, दोनों को डालो दोनों का कंपेयर करो और उसके हिसाब से आपका जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। बस हाँ एक चीज आपको नहीं दिया हुआ है जो कि है नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर की जगह पे आप क्या ले सकते हो, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है ना तो नंबर ऑफ शेयर की जगह पे एक्स ले लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स लेके चलो, तो जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो एक्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी ए है ना उसका 0.2x आ रहा है, मतलब यहां पे मेरे पास डेटा अवेलेबल है इसके लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो 0.2x आ रहा है किसका, रेट ऑफ रिटर्न कंपनी ए का, और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है कंपनी बी का वो कितना आ रहा है 0. यहां पे मैंने लिख के लाया हुआ है 0.17x, ठीक है। तो ये दोनों को अगर आप देखोगे, देखो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो इतना है ना इसके ऊपर का पार्ट ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई बार बता दिया कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, वैल्यू अवेलेबल है डाल दो बस, नंबर ऑफ शेयर की जगह पे एक्स डाल के सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 0.2x, इसका है 0.17, बताओ कौन बड़ा है, कौन बड़ा है 0.2 बड़ा है कि 0.17, आप बोलोगे सर 0.17 बड़ा है, अरे भैया 0.2 बड़ा है क्योंकि ये 0.2 मतलब 0.20 होता है, ये 0.17 है, तो 17 बड़ा कि 20 बड़ा, 20 बड़ा मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कंपनी ए जो है इज मोर प्रॉफिटेबल, क्या है कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, कंपनी ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्लियर समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हमने 4.3 बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया है, कितना मजा आया बोलो, आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, पूरा प्रैक्टिस सेट 4.3 भी पढ़ लिया, अब एक ही प्रैक्टिस सेट 4.4 इसकी भी धड़ाधड़ अच्छे से धुलाई करेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर बचेगा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स उसको भी धड़ाधड़ कंप्लीट करेंगे, देखो वक्त के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा, वो भी दूसरी बार हो रहा है, सोचो एक बार सिलेबस कंप्लीट है दूसरी बार भी सिलेबस कंप्लीट करूंगा, एक बार वन शॉट रिवीजन सीरीज पढ़ा चुका हूं, एलएमआर सीरीज पढ़ा चुका हूं, दूसरी बार भी पढ़ा रहा हूंगा एक महीने के बाद जब आपका एग्जाम नजदीक आएंगे जनवरी एंडिंग के आसपास, तैयार रहना कुर्सी की पेटी बांध के, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे हमारा हर बच्चा दसवीं का 80 85 90 95% निकालेगा ये मैं वादा करता हूं।
प्रॉमिस मत तोड़ना, क्योंकि आपका मेहनत भी इसमें इतना ही लगने वाला है। चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। यार मैं तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हूं यार इस वजह से, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है हमारा मेहनत। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, हर एक बच्चे 10वीं वाले को बोलो यार वीडियो तो एक बार देख के देखे, मजा आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 1 मिलियन की रेस अभी आपके हाथ में, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।